महंगाई से राहत देते हुए पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। पेट्रोल 2.43 रुपए तो डीजल 3.60 रुपए सस्ता हो गया है, तो वही नई दरें लागू हो गई हैं। इसके अलावा बिना सब्सिडी वाली एलपीजी के कीमत भी 23.50 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। तो अब राहत जरूर मिली है महंगाई से। जब पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था तो वही गिरावट आई है अब पेट्रोल डीजल के दामों में। इसके अलावा जो सिलेंडर है वो भी सस्ता हुआ है। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 23.50 रुपए सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल 2.43 रुपए सस्ता हुआ है, तो वही डीजल 3.60 रुपए सस्ता हो गया है। तो एक राहत की खबर आमजन को जरूर, जो किल्लत झेल रहा था, लगातार महंगाई झेल रहा था पेट्रोल और डीजल की, और अब पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए गए हैं। इसके अलावा सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर भी अब सस्ता हो गया है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। साक्षी का कहना है कि जिन लोगों ने याकूब मेमन की पैरवी की है वो सभी देशद्रोही हैं और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। साक्षी ने कहा कि जिन लोगों ने याकूब मेमन जैसे आतंकवादी के पक्ष में बयान दिया है वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साक्षी महाराज ने देश के संविधान को नहीं मानने वाले लोगों को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने को कहा। उन्होंने ओवैसी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ओवैसी ने देश के संविधान की शपथ ली है फिर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ओवैसी की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि हैदराबाद में आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए पैसा कहां से आता है। सारे के सारे जितने लोग लगे हुए हैं याकूब मेनन का पक्ष ले रहे हैं, अगर इनके परिवार का एक भी व्यक्ति मरा होता मुंबई में, प्रकाश करात का मरा होता, बृंदा करात का मरा होता, या जिन 40 लोगों ने उसकी वकालत की है उनका मरा होता, क्या ये वकालत करते? प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की तारीखों का एक साथ ऐलान किया गया हो। कुलाधिपति राज्यपाल राम नाईक ने अलग अलग तारीखों पर होने वाले दीक्षांत समारोह की तारीखों की सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिरकत करेंगे। साथ ही डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इन दोनों दीक्षांत समारोह की तारीख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सुविधानुसार तय किए जाने के निर्देश भी राज्यपाल राम नाईक ने दे दिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विवि का दीक्षांत समारोह 16 अक्टूबर, आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि का दीक्षांत समारोह 28 अक्टूबर, कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विवि का दीक्षांत समारोह 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विवि का दीक्षांत समारोह 5 नवंबर, मथुरा के उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विवि का दीक्षांत समारोह 17 नवंबर, रुहेलखंड विवि का 20 नवंबर को, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह 24 नवंबर को, तो चौधरी चरण सिंह विवेका दीक्षांत समारोह 5 दिसंबर को, वहीं फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विवेका दीक्षांत समारोह 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह बांदा कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 19 दिसंबर, लखनऊ के यूपीटीओ के लिए 24 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके सरकारी आवास पर फिल्म अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री ईश्वरीया सरन और फिल्म निर्माता कुमार मंगत ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अजय देवगन ने उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति की सराहना की और कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अच्छा कार्य कर रही है। वहीं सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि फिल्म निर्माताओं को राज्य में शूटिंग करने पर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग और मदद दी जाएगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी और सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद रहे। हरदोई में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित प्राइवेट बस सामने से आ रही ऑल्टो कार से भिड़ गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मामला थाना पिहानी के कोइया गांव के पास का है। ऑल्टो कार से रुबिया आश्रम पिहानी में वहां से लोग लौट रहे और 9
9 लोग उस कार में थे, मैं बच्चों के, उसमें एक बस से उनका एक्सीडेंट हो गया, उसमें तो पहले ही मर गए थे, तो बाकी बाद में क्या है, 4 लोग डेथ हो गए, बाकी 5 को रेफर कर देंगे, लखनऊ ले जाएंगे। एक तो कुदरत का कहर ने किसानों को जख्म दिए, तो सूबे के अधिकारियों ने कड़वी जुबान से उन जख्मों पर नमक छिड़का। किसान अभी तक मुआवजे के लिए भटक रहे हैं और अधिकारी बेतू के बयानों से बाज नहीं आ रहे। बड़ी गाड़ियों और एसी कमरों में रहने वाले किसानों से सहानुभूति जताने की बजाय उनका मखौल उड़ा रहे हैं। ताजा मामला हरदोई का है, जहाँ SDM पप्पू गुप्ता ने बेतू का बयान दिया। SDM ने मुआवजे के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि पैसा जमीन से उगे या ऊपर से गिरे तभी हम बांट सकते हैं। लोगों ने जब SDM के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उनको भी चेतावनी दे डाली। पूरे जिले में आप लेंगे तो 1800-1900 गांव में नहीं चेक बटे हैं, ठीक है ना। अब 1800-1900 गांव के लोग जो है कुछ ऐसा करें कि पैसा जो है जमीन से पैदा हो जाए या कुछ ऐसी बात घटना हो जाए या ऊपर से आ जाए ताकि हम लोग बांट सके, आप लोग कुछ ऐसा प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में अधिकारी किस तरह आराम विलासी और कामचोरी में लगे हैं, इसका नमूना मिर्जापुर में दिखा। गुणवत्ता समीक्षा मीटिंग में अधिकारी मोबाइल में गेम खेलते दिखे। इसके साथ ही कुछ अधिकारी कार्यों की समीक्षा सोते हुए कर रहे थे। अब ये तो वही जाने नींद के आगोश में और गेम खेलते हुए कैसे समीक्षा होगी। ये हाल था मिर्जापुर का, जहां CDO जिले के सभी अधिकारियों के कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी काम के प्रति कितने गंभीर हैं। कैमरे में तस्वीरें कैद होने के बाद भी CDO अधिकारियों के बचाव में सफाई देने लगे। मुझे मीटिंग में कोई ऐसा अधिकारी नहीं दिखा जो सो रहा हो। सत्ता के हनक पर संत कबीर नगर जिले में कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई करने की बजाय अधिकारी खामोश है। पूरा मामला खलीलाबाद इंडस्ट्रीज एरिया का है, जिसे पहले दलित मलिन बस्ती दिखाकर घोटालेबाजों और संबंधित विभाग जिला नगरीय विकास अभिकरण ने शासन द्वारा आए 14,44,00,000 का बंदरबाट करना चाहा, जिसके मंसूबे पर पानी फेरते हुए शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत जिले के जिम्मेदारों से लेकर डूरा के अध्यक्ष DM संत कबीर नगर को अवगत कराते हुए पूरे मामले पर जांच और कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, जहां से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता कमलेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से कोर्ट ने इंडस्ट्रीज एरिया, जिसे दलित मलिन बस्ती दिखाकर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा था, उस पर शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए स्थगन आदेश जारी किया। स्थगन आदेश मिलने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी अजयदीप सिंह ने निर्माण कार्यों को तत्काल रुकवा दिया था, लेकिन उनके जाने के लगभग एक महीने बाद ठेकेदारों ने फिर से टूडा के अधिकारियों से मिलीभगत करके फिर से निर्माण कार्य चालू करवा दिया। इस बारे में जिलाधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार से शिकायत करने के बावजूद निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है, तो वही DM इस साल हाईकोर्ट की रोक से इनकार कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में डूडा ने अपने मुखिया DM को अंधेरे में रखकर झूठी जानकारी दी थी। मुजफ्फरनगर में एक विवाहिता का शव घर में छत के पंखे से लटका मिला। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों की ओर से पति सहित परिवार के 7 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गाँव कुरथल का है। दरअसल पूजा नाम की एक महिला का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला है। मृतका हरियाणा के जनपद करनाल के गांव अड़ाना की रहने वाली है, जिसकी शादी लगभग 8 साल पहले थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव कुरथल में विकास के साथ हुई थी। मृतका के 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि मृतका पूजा के ससुराल पक्ष से मनमुटाव रहता था, जिसके चलते वह ज्यादातर अपने घर रहती थी और हाल ही में 2 दिन पहले कुरथल आई थी। परिजनों का आरोप है कि पूजा की ससुराल पक्ष ने पिटाई कर हत्या कर दी और शव पंखे से लटका दिया, तो वहीं अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वही बलरामपुर में नेपाल सीमा के पास SSB ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। SSB ने इन तस्करों के पास से 75 किलो चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए है। इस चरस को नेपाल से भारत के बलरामपुर मुख्यालय फिर लखनऊ से हरिद्वार होते हुए कुल्लू मनाली तक पहुंचाना जाना था।
इधर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वन विभाग और पुलिस कर्मी मुहिम में पलीता लगाने में लगे हैं। वन कर्मी और पुलिस वाले लकड़ी माफिया से साठ गांठ कर हरे पेड़ों को काटकर अपनी जेबें भरने में लगे हैं। मिलीभगत की तस्वीरें कैद हुई समाचार प्रेस के कैमरे में, जहां एक सिपाही होमगार्ड के साथ मिलकर लकड़ी माफिया के साथ पैसों का लेन देन कर रहा है। पहले इन लोगों ने होटल में बैठकर बातचीत की और फिर शुरू हुआ पैसों का लेन देन। बाकायदा 500 के नोट गिनकर जेब में डाला, फिर पेट्रोल का खर्च मांगा और माफिया से 100 का नोट लिया। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हरी भरे प्रदेश का सपना देखते हैं, पौधे लगाने की बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं, तो वहीं जो अधिकारी हैं वो उसमें पलीता लगाते हुए नजर आते हैं और लकड़ी माफियाओं से साठ गांठ करते हुए नजर आते हैं, रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं और जो हरे भरे पेड़ हैं उनको काट कर उनकी लकड़ी को बेच देते हैं और इसके बदले में रकम वसूलते हैं लकड़ी माफियाओं से। बरेली में बढ़ती लूट की घटनाओं से लोग हलकार हैं। आज बाइक सवार तीन बदमाशों ने डेली कारोबारी पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से झुलस गया। घटना कैंट थाना क्षेत्र की है, जहां दूध का कारोबार करने वाला दीपक दूध बेचकर घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसमें उसके शरीर का काफी हिस्सा बर्न हो गया। फिलहाल पुलिस हमलावरों के बारे में कोई सुराग नहीं तलाश पाई है। टेम्पो गाड़ी से दूध बांट के आ रहा था, तो वहाँ जनरल साहब के बंगले के पास वहाँ पे बाइक पे तीन लड़के आए, तो उन लोगों ने इसके ऊपर तेजाब डाल दिया, तक काफी जल गया, आधा चेहरा जल गया है, पूरे का पीठ है, आगे का सीना है। कन्नौज में दिदहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना जिले के छिबरामऊ कोतवाली सौरिक रोड के भैनपुरा मोहल्ले की है, जहाँ भैनपुरा निवासी द्विजवेंद्र चतुर्वेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैसे तो द्विजेंद्र पेशे से वकील थे, लेकिन एक अखबार के तहसील संवाददाता भी थे। बताया जा रहा है कि द्विजेंद्र मार्केट से दही लेकर अपने छोटे भाई देवेश के साथ घर जा रहे थे कि तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे तीन लोगों ने द्विजेंद्र को रोक लिया और उनके सिर में गोली मार दी। छोटे भाई के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच की बात कर रहे हैं। ये खबर आई है कुछ देर पहले, मौके पर सीओ और एसओ मौके पर मौजूद हैं, वहां पर जांच की जा रही है। कुछ लोग इसको सुसाइड भी बता रहे हैं, लेकिन हत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ ये भी जानकारी में आ रहा है कि ये किसी रेप केस में वांटेड भी था, तो इसका भी शीघ्र ही जैसे अधिक जानकारी मिलेगी उस हिसाब से पुलिस अपना वैधानिक कार्रवाई करते हुए जो यदि इसमें कोई मुलजिमान है तो उसको गिरफ्तार शीघ्र कर लेगी। नोएडा के सेक्टर 50 स्थित रामाग्या पब्लिक स्कूल में जुम्बा मास्टर क्लास का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जुम्बा मास्टर सुचिता पाल ने बच्चों और उनके परिजनों को जुम्बा डांस पर खूब जुमाया। इसके साथ ही हेल्दी रहने के टिप्स भी बताए। स्कूल के बच्चों और उनके परिजनों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने इस कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। करीब एक घंटे तक चले इस कार्यक्रम में हेल्दी रहने के टिप्स बताए गए। आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपको ऐसा कुछ वर्कआउट चूज करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए। जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो जरूरी नहीं है कि आपको फॉलो करना। अगर आपको योगा पसंद है तो योगा कीजिए, अगर आपको जुम्बा पसंद है तो जुम्बा कीजिए। और आपका जो बॉडी है, वर्कआउट करना 3 दिन वीक में बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खाना। 99% आपका बॉडी डिपेंड करता है आपके डाइट पे। तो गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में गुरु पूर्णिमा के मौके पर साइंस डिवाइन फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
शुक्रवार को इस कार्यक्रम में गुरु साक्षी ग्राम कृपाल महाराज ने लोगों को खुश रहने के विज्ञान से अवगत कराया। उन्होंने गुरु और शिष्य के रिश्ते पर भी लोगों से बात की, साथ ही गुरु भक्ति के महत्व को बताया। दूर दूर से आए लोगों ने साक्षी राम कृपाल महाराज के प्रवचन को सुना। हमारे कुछ महानुभावों ने तो हमारे धाम के कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित किया गया है। ये साइंस डिवाइन के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। साइंस डिवाइन परम पूज्य साक्षी राम कृपाल जी के द्वारा स्थापना की गई है। और आज ही न्यूज पौधों के संरक्षण से जुड़ी हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज जहां हजारों पेड़ पौधों की प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा है, तो वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुर्लभ प्रजाति के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पौधों के संरक्षण की यह पहल विलुप्त होते पौधों की प्रजाति के लिए नया जीवन सिद्ध होने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। जंगलों की बेहिसाब कटाई और कंक्रीट के जंगलों के लगातार हो रहे निर्माण से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस मुसीबत से निपटने के लिए कुछ लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसकी एक झलक देखने को मिलती है लखनऊ के कुकरेल नर्सरी में, जहां पेड़ों की विलुप्त होती प्रजातियों के साथ पौराणिक महत्व वाले पौधों और 100 साल से भी ज्यादा जीने वाले पौधों को विकसित किया जा रहा है। इस नर्सरी में यूपी ही नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग पौधों की खरीद के लिए आते हैं। इस नर्सरी में दुर्लभ पौधों की भरमार है और ये वो पौधे हैं जिनका अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर है। यहाँ से मैं कई तरह के पेड़ ले जा रहा हूँ, जो कि औषधीय रूप में और दैनिक प्रयोग के रूप में भी यहाँ से कई पेड़ ले जा रहे हैं, जिसमें नीम है, पाकड़ है, आम का पेड़ है, जामुन है, बालम खीरा है। ये तमाम पेड़ हैं जो यहाँ से ले जा रहे हैं और जीवन में इनका बहुत महत्व है। सदियों से हमारे बाग बीचों बीच और जंगलों की शोभा बढ़ाने वाले पेड़ों की दर्जनों प्रजातियां खतरे में हैं। यही वो पेड़ हैं जिनकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है। इनमें से कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनसे हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में अभिन्न जुड़ाव रहता है। इसमें हम पौधों को जो शहरी वृक्षारोपण के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, उनमें हम शुरुआत में आप जैसा देखा कि हम शुरुआत में इसको जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद छोटे बैग में फिर बड़े प्लांट के रूप में उगा लेते हैं। इससे शहरों में जो बहुत ज़्यादा आबादी, घनी आबादी क्षेत्र हैं या जैविक दबाव है, वहाँ बड़े पौधे बहुत ही जल्दी ग्रीनरी करते हैं, इसलिए इनको उगाया गया है। इन वृक्षों की कम होती जा रही संख्या के लिए सीधे तौर पर मनुष्य ही जिम्मेदार है। पेड़ इस पृथ्वी की धरोहर है, इनका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व है, इसलिए पेड़ों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आरके पाल, लखनऊ, समाचार प्लस।